नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज। तेलंगाना से उज्जैन महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालु की पैंट शिप्रा नदी में स्नान के दौरान हुई चोरी। पैंट में मोबाइल, क्रेडिट कार्ड और 50,000 रुपए रखे हुए थे। लापरवाही होमगार्ड जवानों की इसमें अब सामने आती है कि उनकी ड्यूटी पर तैनात होने के बावजूद भी इस तरह की घटना कैसे हो जाती है। बताया जाता है कि होमगार्ड के जवान चौकी में ही बैठे रहते हैं और वहीं से माइक में अलाउंस करते रहते हैं कि लेकिन जमीन नहीं, हकीकत पर उन्हें नदी के आसपास पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। तेलंगाना से उज्जैन महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालु जब शिप्रा नदी में स्नान कर रहे थे तब उन्होंने नदी किनारे अपना बैग और कपड़े उतार कर रखे थे। मौका पाते ही चोर श्रद्धालु की पैंट चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है कि उसमें मोबाइल, बैंक के क्रेडिट कार्ड और 50,000 रुपये कैश रखे हुए थे। घटना की जानकारी श्रद्धालुओं ने चौकी को दी, जिसके बाद उन्होंने चोर की तलाश शुरू की। लेकिन अगर समय पर होमगार्ड के जवान पेट्रोलिंग करते रहे तो चोर की सक्रिय नहीं हो पाएंगे और इस तरह की घटनाएं भी रुक जाएंगी। आज सुबह 7 बजे हम लोग पार्किंग में कार लगा के बैग लेके इधर आए नहाने के लिए। मेरा नाम वेंकट नारायण है, हम तेलंगाना हैदराबाद से आए। इधर बैग लगाए, मैं पैंट उतारा, पैंट में मोबाइल था, 50,000 रुपये था और पूरा मेरा आईडी कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ था मेरा। कम से कम 10-15 कार्ड है उसमें। पैंट उतार के फोल्ड करके बैग में लगाया, उसके ऊपर बैग का कवर भी लगाया। हमारा बेटा इधर ही बैठा है, हम ब्रश करने के लिए जस्ट ऐसा पानी में उतरा, 1 ही मिनट में ब्रश करके इधर आया साबुन के लिए, नहाने के लिए। साबुन निकाला, पैंट देखे तो बैग में नहीं है। उधर घूमा, पुलिस वाले को बुलाया, वो थाना कने गया, उधर चौकी कने गया, उधर से बुला के लेके आया, वो लोग भी उधर इधर घूमा मगर किधर भी नहीं मिला। सुबह 7 बजे का टाइम है। कहाँ से आए थे आप लोग? हम तेलंगाना से आए, हैदराबाद। कितने लोग आए थे? हम, हमारा बीवी, 2 बच्चे, 4 जने। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई अभी आपने? महाकाल PS में लिखा है। क्या नाम है आपका? आर वेंकट नारायण, शामीपेट है, हमारा तेलंगाना हैदराबाद से आए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया प्रेस न्यूज़।